दो वचन हम चर्चा कर सकते हैं, दस दस, बहुत बढ़िया बताया रोहित, बताया दस। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। देखो छोटा सा बच्चा तुरंत बताया, बड़े लोग छोटे से हमें सीखना पड़ता है। तो जिसने उसकी आज्ञाओं को पालन मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है। उसमें बुद्धि और ज्ञान का बारे में बोला गया है। और कोई किसके पास इंग्लिश है, इंग्लिश किसके पास है? मेरा इंग्लिश में लिखा है दस दस का द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम, ऑल हु फॉलो हिज प्रिसेप्ट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, टू हिम बिलोंग इंटरनल प्रेज। कितना बढ़िया लिखा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ विजडम। हिंदी में बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, मतलब जो यहोवा का, यहोवा मतलब परमेश्वर को, ईश्वर को, ईश्वर को भय करता है। भय मतलब क्या है? भय मतलब डरना है क्या? क्या समझते हैं भय मतलब? भय मतलब हम क्या समझते हैं? जो स्टूडेंट टीचर को भय करता है वो भय क्या? जो दुश्मन को हम भय करते हैं वो भय क्या? जो आग लगा हुआ है, आग का पास हम जाने के लिए डरते हैं वो भय क्या? आज कोई सांप एक कहीं पर बैठा हुआ है, वहां पर जाने के लिए हम भय करते हैं वो भय क्या? जंगल में अकेला चल रहे हैं, आज कभी जानवर आ जाए, कभी कुछ और जाए, हम भय करते हैं वो भय क्या? यहोवा को भय करना मतलब क्या है? हम क्या समझते हैं फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा को भय करना क्या समझते? कोई बेटा अपना पिताजी को भय करता है, अपना मम्मी को भय करता है, डरता है। पिताजी टेबल ऊपर 100 रुपया रख दिया और चला गया, लेकिन उठाने से पहले वो डरता है, पिताजी रखे कब? पिताजी मेरा विश्वास पर, मेरा ईमानदारी पर सोना मेरे को टेस्ट करने के लिए रखा हो, ऐसे होता भी। इसीलिए परमेश्वर का भय करना मतलब परमेश्वर को आज्ञा को पालन करना, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। जो चीज परमेश्वर हमारा लिए रोक दिया है उस चीज को हमें पालन करना है। आदम को बोला गया था ये फल नहीं खाना, क्या बोला गया था? ये फल नहीं खाना। आज जिस दिन फल खाओगे उस दिन क्या होगे? क्या होंगे? जिस दिन फल खाएगा उस दिन क्या होगा? क्या होगा? आवाज करके बोलो। आप मृत्यु होंगे, आप मरोगे। जिस दिन फल खाओगे आप मरोगे, आपका मृत्यु होगा। फिर भी वो डरा नहीं, वो डरा नहीं, क्योंकि अपना धर्म पत्नी ने बोला। कुछ कुछ चीज ऐसे होता है परमेश्वर को हमको देखते नहीं, लेकिन हम जिसको देखते हैं उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। आज धर्मपत्नी तो खाई, खाकर फिर उसको भी खिलाया। तो भय, अगर उस समय आदम भय करता परमेश्वर को, परमेश्वर को आज्ञा को पालन करता, तो पाप दुनिया में नहीं आते। लेकिन पाप दुनिया में आना भी गॉड का एक प्लान था।
परमेश्वर का एक प्लान था और ये प्लान हम परमेश्वर का सोच को विचार को हम क्वेश्चन कर नहीं सकते, प्लान था। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि हमें जो भजन संहिता 111 उसका 10 अध्याय बोलता है कि परमेश्वर को भय करना ही ज्ञान का आरंभ है। हम अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर को क्या करना, भय करना, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना, परमेश्वर दिया हुआ रास्ता पे चलना है, रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना है, राइट डायरेक्शन में जाना है। और जो हम राइट डायरेक्शन है वर्तमान स्थिति में वो रास्ता हमारा लिए चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन चुनौती भरा रास्ता जब हम पार करेंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए वो रास्ता अनंत जीवन है, वो रास्ता हमारे लिए अनंत जीवन है। जो जीवन मृत्यु नहीं होगी उसी की ओर वो रास्ता चलेगा। और अभी लगता है आपको जो रास्ता है बहुत सुख है, बहुत आनंद है, बहुत चकाचन है, उसी रास्ता पे हम चलोगे तो हो सके वो रास्ता हमारे लिए आसान होगा, हमारा चुनौती भरा नहीं होगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो रास्ता हो सके कि आने वाले समय में वो रास्ता गड्ढा में हमको गिराएगा। चुनौती भरा नहीं होगा, चुनौती भरा होगा तो हम पार कर सकते हैं, लेकिन वो अंतिम होगा और हमारा जीवन में वो नरक का कारण हो सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला आई एम द वे, मैं पथ हूं और मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। मैं पथ भी हूं और जो पथ पे आप चलोगे आगे सत्य मिलेगा, सत्य पे चलते रहोगे तो आगे क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। कितना बढ़िया सुंदर वचन है। तो परमेश्वर दिया हुआ रास्ता, यीशु मसीह दिया हुआ रास्ता पे हम चलेंगे तो हमें सत्य में रहेंगे और सत्य का भी पराजित नहीं होता, सत्य विजय प्राप्त होता है। और सत्य में हम चलते रहेंगे आगे क्या होगा, हमको अनंत जीवन मिलेगा। ये सिद्धांत है। इसीलिए परमेश्वर का अगर हम भय करेंगे तो हमको ज्ञान प्राप्त होगा, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेंगे तो ज्ञान हमें मिलेगा। और परमेश्वर को और क्या क्या लिखा है उसमें बड़ा सुंदर चीज लिखा है, बिगनिंग ऑफ द विजडम एंड ऑल हु फॉलो हिज परसेप्शन हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब बुद्धिमान, बुद्धि। परमेश्वर सिर्फ ज्ञान नहीं देता हमको, क्या देता है, बुद्धि भी देता है। बुद्धि ज्ञान से कई गुना ऊपर है। बहुत लोग को बुद्धि नहीं मिलता है लेकिन ज्ञान मिलता है, बहुत कम लोग को ज्ञान और बुद्धि दोनों मिलता है। इसीलिए हमें जो प्रभु को हम जानते हैं, प्रभु को फॉलो करते हैं, वो दोनों हम प्राप्त करते हैं। क्या क्या, ज्ञान भी है और बुद्धि भी है। दोनों में से क्या फर्क है, ज्ञान हमें कहीं पर भी प्राप्त होती है, किताब में, न्यूज़पेपर में, टीवी में, कई बातचीत करते में, किताब पढ़ने में, टीवी देखने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में और एक दूसरे से बात करने में हमको क्या मिलता, ज्ञान मिलता है। लेकिन जो बुद्धि है परमेश्वर की ओर से आता है, सत बुद्धि बोलते हैं, सत बुद्धि हमको दे तो परमेश्वर की ओर से आता है और वो ज्ञान से कहीं बड़े हैं। और नीति वचन में आप पढ़ोगे 4 अध्याय उसमें लिखा है, बुद्धि ऐसे एक चीज है जो बहुत चीज को क्या करता है, बारीकी से देखता है। बुद्धि बहुत चीज को बारीकी से देखता है और वो
गहरी से चीज को समझता है, बहुत गहरी से चीज को समझता है। और उसमें लिखा है मेरा बाइबल में प्रिसेप्शन, प्रिसेप्ट मतलब लॉ, नियम, सिद्धांत, सोच, सोच बुद्धि करता है, बुद्धि क्या करता है, शोध करता है और नियम को मानता है, क्या नियम है वो चीज को मानता है। इसीलिए परमेश्वर बोला आपको बुद्धि भी मिलेगा, ज्ञान आरी बुद्धि दोनों मिलेगा। बुद्धिमान लोग को ज्ञानी लोग दोनों अलग है, ज्ञानी व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति दोनों बहुत अलग है, समझ लो। इसीलिए हमें परमेश्वर ज्ञान भी दिया और बुद्धि भी दिया, इसलिए हम कोशिश करें परमेश्वर का दिया हुआ रास्ता को चलते रहे और हम बुद्धि भी प्राप्त करें और ज्ञान भी प्राप्त करें, ज्ञान भी प्राप्त करें और बुद्धि भी प्राप्त करें, और हमारा जीवन बेहतर होगा। और सिर्फ जीवन बेहतर नहीं है, जीवन बेहतर नहीं है, दूसरे को भी हम बेहतर जीवन दे सकते हैं। जब कोई भी देश में प्रभु का मिशनरी लोग गए, प्रभु का दास लोग गए, आज सबसे पहले क्या शुरू किया पता है, सबसे पहले स्कूल शुरू किया, क्या शुरू किया, स्कूल शुरू किया ज्ञान देने के लिए और बुद्धि देने के लिए, और हॉस्पिटल शुरू किया, हॉस्पिटल स्कूल देन हॉस्पिटल शुरू किया, देन सेवा करने के लिए बहुत सारे चीज, सेवा हर गांव में सेवा का सेंटर बनाया, सर्विस सेंटर बनाया, और वहां पर बच्चे आए, औरत आए, बड़े लोग आए, वहां पर चर्चा होता था, शाम का टाइम चर्चा होता था, और गांव का बच्चा हर गांव में स्कूल, छोटे छोटे स्कूल शुरू किया था, और गांव के बच्चे उस स्कूल में जाते थे। हैं, ये परमेश्वर का एक मॉडल था, मिशनरी का एक मॉडल था, और ये मॉडल के माध्यम से कई लोग को ज्ञान और बुद्धि मिला है। और हिंदुस्तान में बहुत सारे ईसाई लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत है स्कूल और हॉस्पिटल में, ज्ञान आरी स्वास्थ्य। तो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और शरीर को भी हमें अच्छा रखना जरूरी है, और दिमाग परमेश्वर का दिया हुआ है, उस दिमाग को विकसित भी करने जरूरी है। इसीलिए बहुत सारे जगह में बोर्डिंग स्कूल शुरू किया, क्या शुरू किया, बोर्डिंग स्कूल शुरू किया, अरे बच्चों को बोर्डिंग में रखकर बच्चों को बेहतर बच्चे बनाया, बेहतर इंसान बनाया। जब बच्चे बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करके बढ़ेगा तो बेहतर इंसान बनेगा, और बढ़िया इंसान बनकर समाज में खड़ा होगा, ना उसका पास ना ऐसे कुछ दुर्बुद्धि होगा जिसको मारना, पीटना, झूठ बोलना, चोरी करना, चकरा करना, ये करना, और किसी का पॉकेट मार करना, किसी का लूट मार करके खाना, झूठ मूठ में लोग को फंसाना, इस तरीके का कैरेक्टर नहीं होगा, बढ़िया इंसान बनेगा, सभी को सच पे चलेगा, इस पर बोला हुआ रास्ता पे चलेगा, और दूसरे लोग भी इसको प्रभावित होंगे। तो हमें भी कोशिश करना है, प्रभु का भय में रहना है, प्रभु का दिया हुआ रास्ता में चलना है, आज्ञा को पालन करना है, और बेहतर खुद बनना है और दूसरा को भी बेहतर बनाना है, और खास करके बच्चों को घर पे बेहतर बनाना है, रोज प्रभु का आज्ञा में अच्छा बातों में बच्चों को प्रभावित करना है, और बच्चे अगर बेहतर बनेगा तो बेहतर समाज बनेगा, बच्चा बड़ा होकर एक बेहतर इंसान बनेगा तो बेहतर समाज भी बनेगा। तो उस सभी को आशीषित करें, ये समय